दोस्तों, मैं हूँ पुण्य। तो मेरे विंटर गार्डन की शुरुआत इस तरह से मैंने की करके कि 2 दिन पहले मैं नर्सरी विजिट के लिए गई थी। वहाँ से आते वक्त रात हो चुकी थी। अभी मुझे रात में ही इन छोटे छोटे सैपलिंग्स को लगा देना पड़ेगा, नहीं तो अगर कल सुबह तक मैं वेट करूँगी तो ये सैपलिंग्स मुरझा भी सकते हैं। तो अभी सुबह का वक्त है, कुछ तो मैंने रात को ही रिपोर्ट कर दिया। अभी मैं इन पिटूनिया के छोटे छोटे सैपलिंग्स को भी रिपोर्ट करूँगी। बस मैं इन सब को रिपोर्ट कर लेती हूँ, फिर वीडियो के एंड में रेट के साथ मैं आप लोगों को बताऊँगी करके कि मैं क्या क्या इस बार लेकर आई हूँ। अभी मैं पिटूनिया के छोटे सैपलिंग को रिपोर्ट कर लेती हूँ। हमारे यहाँ पर अभी तक कोई भी बड़े फ्लावरिंग प्लांट के पैकेट्स नहीं आए हैं। जहाँ पर भी देखो इन छोटी छोटी सैपलिंग्स ही वो लोग बेच रहे हैं। इसीलिए बेस्ट है करके कि मैं इनको अपने घर में ले आऊँ और अपने तरीके से इनको ग्रो करूँ। जब भी हम छोटी सैपलिंग्स को रिपोर्ट करते हैं, डायरेक्ट ये बड़े पॉट्स में इनको रिपोर्ट ना करें। देखिए, मैंने इनको अभी इनमें ट्रांसप्लांट कर दिया है, वो भी डिस्पोजेबल ग्लास में। और ये सारे डहेलिया की कटिंग्स है, छोटे छोटे इन कंटेनर में लगे हुए हैं। पीछे से अगर हम इस तरह से कोई भी लकड़ी से पुश करते हैं तो रूट के साथ ये बड़े इजीली निकल आते हैं। इनको भी अभी मैं छोटे कंटेनर में ही रिपोर्ट करूँगी। अच्छे से जब सारे रूट्स आ जाएंगे, मीन्स बाउंड हो जाएंगी, तब हम इसको बिग प्लांटर देंगे। दोस्तों, अगर हम इस तरह की छोटी छोटी सैपलिंग्स लेकर आते हैं तो तुरंत देर ना करते हुए इनको रिपोर्ट कर देना चाहिए। मगर अगर हम पैकेट वाले लाते हैं तो उनको 2-3 दिन अपने गार्डन में एडजस्ट होने के लिए रखना पड़ता है। अभी मैंने ये डहेलिया के सारी कटिंग्स को लगा दिया। ये वाले तो सारे परचेज किए हुए हैं, मगर इसके बावजूद भी मैंने अपनी भी कटिंग्स मैंने रेडी की है। तो देखिए, ये सारे मेरे अपने ही कटिंग्स हैं जो लास्ट ईयर के मदर प्लांट से मैंने लगाया था। तो इनको भी अभी रिपोर्ट कर देती हूँ। ये केवल 20 दिन के जितना ही हुआ होगा मैंने इनकी कटिंग्स को ग्रो करते हुए। तो देखते हैं इसके रूट्स कैसे डेवलप हुई है। तो देखिए कितने सुंदर से इनकी रूट्स भी आ गई है। तो मैंने सोचा इनको भी लगे हाथ रिपोर्ट कर देती हूँ। तो सभी एक साथ बड़े होंगे और एक साथ जब फ्लावरिंग होगी तो बहुत सुंदर लगेगा। देखिए कितने सुंदर से रूट्स आ गई है। नर्सरी वालों से भी अच्छी तरह से मेरे इस वाले में रूट आई है, क्योंकि इनको थोड़ा बड़े कंटेनर में इनके कटिंग्स को लगाई थी। डहेलिया की कटिंग जो हम नर्सरी से लाते हैं, बहुत ही छोटे कंटेनर में लगे होने के कारण उनकी रूट्स नहीं फैलती। इसलिए डायरेक्ट आकर उनको थोड़ा सा बड़े साइज में रिपोर्ट कर दें। इस वाले ग्रीन प्लांटर में भी देखिए, मैंने बहुत सारे अपनी कटिंग्स खुद लगाई थी, सभी में देखिए कितने सुंदर से रूट आ गई है। तो इनको भी मैं अभी एक छोटे कंटेनर में इनको अलग अलग करके सेपरेट कर दिया है। तो बहुत सारी डहेलिया की कटिंग्स मेरी ग्रो हो चुकी है। अभी मुझे और भी प्लांट्स की रिपोर्ट करनी है, इसलिए खाली पड़े हुए गमलों को मैंने कलर करके धूप में रखने दिया ताकि वो सूख जाए अच्छे से। अभी मैं इन मैरीगोल्ड, मीन्स इनका वेराइटीज़ के जो मैरीगोल्ड के प्लांट्स हैं जिनको मैं 2 दिन पहले नर्सरी से लाई थी, इनको भी मुझे एक एक करके रिपोर्ट करना है। मैरीगोल्ड के ये सारे प्लांट काफ़ी बड़े हैं, इसलिए डायरेक्ट हम इसको बिग साइज़ के गमलों में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अभी देखिए, ऊपर से मैंने इनकी जो मेन स्टैम्प है उसको मैंने कट भी कर दिया ताकि ये और भी घना हो जाए। साइड ब्रांचेस अभी डेवलप होंगी तो बहुत सुंदर दिखेगा। 20-20 रुपीज़ के मैं बड़े बड़े प्लांट्स ही लेकर आई हूँ। जो मैंने ऊपर से कट की उनको मैंने फेंका नहीं, छोटे कंटेनर में इनको फिर से मैंने ग्रो कर दिया, क्योंकि कटिंग्स बहुत ही इजीली चल जाती हैं। तो आप लोग भी इसी तरह कर सकते हैं। मैरीगोल्ड के अगर आप थोड़े बड़े साइज़ के प्लांट लेकर आ रहे हैं तो उनको ऊपर से जो साइड ब्रांचेस होती है या तो मेन स्टैम्प होती है उनको आप लोग कट करके दोबारा ग्रो कर दीजिए मेरी तरह। इसलिए दोस्तों, इस बार मैं केवल 10 ही लाई हूँ। इन्हीं से मैंने और भी मैंने कटिंग्स ग्रो करके न्यू प्लांट्स मैं रेडी कर रही हूँ। है ना, डबल फ़ायदा, कम लाओ और ज़्यादा अपने ही गार्डन में उनको ग्रो करके और भी ज़्यादा बना लो। इस बार मैंने मैरीगोल्ड के सॉइल मिक्सिंग में बिल्कुल भी केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं किया है। मैंने ये देखा है अगर हम केमिकल यूज़ करते हैं अपने इन मैरीगोल्ड के प्लांट्स में तो बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं। और अभी मैं सोच रही हूँ इन्हीं प्लांट्स से मैं और भी कटिंग्स ले लूँगी कुछ दिनों के बाद और बहुत सारे न्यू प्लांट्स मैं रेडी कर लूँगी। तो इसीलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा मैरीगोल्ड के प्लांट्स इस बार नहीं लाई हूँ, इन्हीं से मैं डबल फ़ायदा उठा रही हूँ।
देखिए, सारे अभी मैरीगोल्ड के जितने भी प्लांट्स में लेकर आई थी सबको मैंने रिपोर्ट कर दिया है। सब मेरा काम ख़त्म हो चुका है, कोई भी काम मैंने पेंडिंग नहीं छोड़ा है। अगर मैं इन सब को टाइम से ख़त्म कर लेती हूँ तो अपने ग्राउंड गार्डन को रेडी करने में भी मुझे काफ़ी वक्त मिल जाएगा। रिपोर्ट किए हुए सारे प्लांटर्स को मैंने यहाँ पर अच्छे से रख दिया ताकि वीडियो में आप लोगों को अच्छे से मैं बता सकूँ। तो पीछे की दो लाइन में मैंने मैरीगोल्ड के प्लांटर्स रखे हुए हैं अभी, जिनको अभी मैंने रिपोर्ट किया है, और इन्हीं से जो मैंने कटिंग्स लगाई है वो ये रही। तो इस तरह से मैंने अभी कटिंग्स बना ली है उन्हीं प्लांट से। जितनी भी मैं सैपलिंग्स लेकर आई थी फ़िलहाल मैंने इनको छोटे कंटेनर में रिपोर्ट कर दिया है। तो देखते हैं अभी तक फ़िलहाल मैंने अपने विंटर गार्डन के लिए क्या क्या प्लांट्स मैंने लगा लिए हैं। तो सबसे पहले इधर आइए और देखते हैं। यहाँ पर मैंने इम्पेशन के कुछ कटिंग्स लगाई थी अपने ही पुराने मदर प्लांट से। किसी किसी में तो दो दो तीन तीन लगे हुए हैं, इनको भी मुझे सेपरेट करना है। ये इम्पेशन के प्लांट्स मैंने काफ़ी बना रखे हैं क्योंकि इनको मैंने अभी ग्राउंड में भी लगाना है, और यहाँ पर भी तीन चार कटिंग्स ग्रो हो रही है, इनको भी अभी सेपरेट करूँगी। छोटे से प्लांटर्स में भी डीप रेड कलर के इम्पेशन की कटिंग बहुत सारे लगी हुई है। तो ये सारे मेरे खरीदे हुए नहीं है, मेरे सारे पुराने जो मदर प्लांट है उन्हीं से मैंने रेडी किया है ग्राउंड में लगाने के लिए, कुछ कंटेनर में भी लगाने के लिए। यहाँ पे रेड कलर के बेगोनिया की कटिंग मैंने अपने मदर प्लांट से ग्रो किया है। छोटे छोटे डिस्पोजेबल ग्लास में देखिए ये कटिंग्स लगे हुए हैं, इनको अभी मुझे बिग प्लांटर में रिपोर्ट करना है। यहाँ पर ये जो छोटे सैपलिंग्स दिख रहे हैं ये सारे साल्विया के सैपलिंग्स हैं। तो बहुत सारे इस बार मैं साल्विया के सैपलिंग्स लेकर आई हूँ, करीब 20 सैपलिंग्स होंगे। तो दोस्तों ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ये डीप रेड कलर के हैं, पिछले बार मैंने अलग अलग कलर्स के लगाए थे, वो भी बहुत सुंदर दिखते हैं। साल्विया के प्लांट को तो ज़रूर ग्रो करना चाहिए क्योंकि बहुत ही लंबे समय तक आपके गार्डन को फुल कलर्स देता रहेगा, जबकि दूसरे जो प्लांट होते हैं वो फूल देकर भी मुरझा जाते हैं, मगर ये परमानेंट प्लांट होने के कारण बहुत ही लंबे समय तक आपको फ्लावरिंग देगा। इस तरह से मैं 20 पीसेस लेकर आई हूँ। और ये देखिए ये स्टॉक के फ्लावर प्लांट है, वो भी छोटी छोटी सैपलिंग्स, ऐसे सैपलिंग्स मैं लगभग 10 लेकर आई हूँ। ये भी सारे 5-5 रुपीस में ही मिल जाते हैं, इनको तो बड़े प्लांटर की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर 6-7 इंच के प्लांटर में भी आप इनको ग्रो कर देंगे बाद में, तभी भी बहुत सुंदर से ग्रो होगा। उसके बाद देखिए ये पैंसी के फ्लावर हैं, फ्लावर प्लांट है, ये भी काफ़ी लंबे समय तक आपके गार्डन को फुल कलर्स देगा, ये भी ओनली 5-5 रुपीस में ही मिल जाते हैं। तो आपके ऊपर है, आप अगर बड़े प्लांट्स लाकर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, अगर आप छोटे सैपलिंग्स लगाना चाहते हैं मेरी तरह तभी भी लगा सकते हैं। छोटे सैपलिंग्स अगर आप लाते हैं तो हैवी अमाउंट में अपने गार्डन में लगाकर फुल उसको एंजॉय कर सकते हैं। बड़े जो सैपलिंग्स होते हैं महंगे भी होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा ला नहीं पाते, इसलिए बेस्ट होता है छोटे सैपलिंग्स लगाओ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पर 5 छोटे कंटेनर में ये डेंटस के सैपलिंग्स में लेकर आई हूँ, ये भी ओनली 5-5 रुपीज़ में ही मुझे मिले हैं। और उसके बाद ये सारे डहेलिया की कटिंग जो आप लोग के सामने मैंने रिपोर्ट किया है, ये 10-10 रुपीज़ में मुझे मिले हैं। तो वैसे भी 10-10 रुपीज़ में ही इनकी कटिंग्स मिल जाती है, तो डहेलिया की मैं ओनली 5 लेकर आई हूँ। और ये सारे मेरे अपने ही कटिंग्स हैं जो मैंने लास्ट ईयर के प्लांट से ही मैंने रेडी किया है। इस तरह की कटिंग्स मेरे गार्डन में मैंने ग्राउंड में ढेरों सारे लगा के रखे हुए हैं एक रो में, इनको मैं कंटेनर दूंगी, इसीलिए मैंने इस तरह से ग्रो करके रखा है। और इधर पेटोनिया के छोटी छोटी सैपलिंग्स जो 5-5 रुपीज़ में ही मिल जाती हैं, केवल मैं अभी 10 ही लेकर आई हूँ, क्योंकि एक ही नर्सरी से अगर हम लाते हैं तो लगभग सेम कलर्स के ही आपको मिलेंगे, इसीलिए दूसरे नर्सरी से मैं और भी सैपलिंग्स लेके आने की सोच रही हूँ। इधर ये सारे कलांचियों की कटिंग है जो अपने ही मदर प्लांट से मैंने बनाई है, इनको अभी रिपोर्ट करना बाकी है। इस तरह की कटिंग्स ग्राउंड में और भी दूसरे हिस्से में मैंने लगा के रखी हुई हैं। इधर ग्राउंड से ही इकट्ठे किए हुए सेलेसिया के छोटी छोटी सैपलिंग्स हैं, इनको भी मैं रिपोर्ट करूँगी, ये भी गार्डन को बहुत ही कलरफुल बना देता है। तो दोस्तों अभी तो मेरे अपने खुद के जो मैंने सीडलिंग की है वो तो आप लोगों को दिखाना बाकी है, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी।
उनसे भी मैंने ढेरों सारे प्लांट्स रेडी करने हैं। तो दोस्तों, इस बार मैंने उन्हीं विंटर प्लांट की सिलेक्शन की है जो बहुत ही लंबे समय तक हमारे गार्डन को फुल कलर देगा।